भारत की राज्य व्यवस्था में हम लोग आज बात करें चुनाव सुधार में 1996 के पहले के चुनाव सुधार और 1996 के चुनाव सुधार के बारे में और उसके 1996 के बाद के चुनाव सुधार के बारे में। दोस्तों 1996 के पहले के चुनाव सुधार, वोट देने की आयु घटाना 1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं के चुनाव में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। प्रतिनिधित्व से वंचित देश के युवाओं को अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अवसर प्रदान करना और चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा बनने में मदद के उद्देश्य से ऐसा किया गया। चुनाव आयोग के प्रतिनियुक्ति 1988 में प्रावधान किया गया कि चुनावों के लिए मतदाता सूची बनाने, पुनरीक्षण एवं संशोधन करने के काम में जो पदाधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत होंगे उन्होंने यह काम करते हुए रहने की अवधि तक चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्त माना जाएगा। इस अवधि के दौरान ये कर्मचारी चुनाव आयोग के नियंत्रक, देखरेख एवं अनुशासन के अधीन रहेंगे। प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि 1988 में राज्यसभा एवं राज्यों के विधान परिषदों के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करने वाले निर्वाचकों की संख्या बढ़ाकर चुनाव क्षेत्र में कुल निर्वाचकों का 10% या ऐसे 10 निर्वाचक जो कम हो कर दिया गया है। ऐसा व्यर्थ में उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए रोकने के लिए किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1989 में चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की व्यवस्था की गई। प्रयोग के तौर पर पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल 1988 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हुआ। 1999 में गोवा के विधानसभा में पहली बार ईवीएम का पूरे राज्य में इस्तेमाल हुआ। बूथ कब्जा 1989 में बूथ कब्जा होने पर चुनाव स्थगित करना या रद्द मत करने का प्रावधान किया गया। बूथ कब्जा में शामिल है पहला मतदान केंद्र पर कब्जा कर लेना और अधिकारियों से मतपत्र या वोटिंग मशीन सरेंडर करा लेना, मतदान केंद्र को अपने कब्जे में ले लेना और सिर्फ अपने समर्थकों को वोट डालने की इजाज़त देना, किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र पर जाने को लेकर धमकाना और रोकना, और चौथा मतगणना केंद्र पर कब्जा कर लेना। मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी EPIC चुनाव आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र के उपयोग से सुनिश्चित ही चुनाव प्रक्रिया सरल, सुचारू और त्वरित होगी। चुनावों में बोगस मतदाता और किसी के बदले मतदाने की प्रथा को रोकने के लिए देश भर में मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए वर्ष 1994 में चुनाव आयोग द्वारा एक निर्णय लिया गया था। पंजीकृत मतदाताओं को EPOC जारी करने के लिए मतदाता सूची आधार होता है। समानता हर वर्ष 1 जनवरी को इस मतदाता सूची को संशोधित किया जाता है क्योंकि यह तिथि विशेष तिथि होती है। प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसकी आयु उक्त तिथि से 18 या इसके आवेदन करने के लिए पात्र होता है एक बार इस सूची में पंजीकृत होने के बाद वह EPIC पाने का पात्र होगा क्योंकि EPIC को जारी करने की योजना लगातार चलने वाले सतत प्रक्रिया है जिसे पूरा करने के लिए किसी समय के निर्धारण नहीं है किया जा सकता क्योंकि मतदाता का पंजीकरण एक सतत और चलने की प्रक्रिया है क्योंकि नामकरण दर्ज करने की अंतिम तिथि और मतदाता पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बीच की अवधि को छोड़कर इसमें 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अधिक से अधिक लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया। यह चुनाव आयोग की उन मतदाताओं को EPOC देने के तहत प्रयास है क्योंकि पिछले अभियान में छूट गया और नए मतदाता के रूप में जोड़े जाने हैं। 1996 के चुनाव सुधार 1990 में VP सिंह के चुनाव नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने तत्कालीन कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में चुनाव सुधार समिति का गठन किया। समिति से चुनाव प्रणाली का विस्तार से अध्ययन करने और प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए अपने सुझाव देने को कहा गया। समिति ने 1990 में ही अपनी रिपोर्ट दे दी और चुनाव सुधार के कई सुझाव दिए। इनमें से कुछ अनुशंसाएँ 1996 में लागू की, इनके बारे में नीचे बताया गया। उम्मीदवारों के नामों पर सूचीबद्ध करना, उम्मीदवारों के नामों और सूचीबद्ध करने के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग है, पहला मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार, दूसरा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार, तीसरा अन्य निर्दलीय उम्मीदवार। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और मतपत्र में उनके नाम अलग अलग उपरोक्त क्रम में रहेंगे और सदा सभी वर्गों के नामों का वर्ण क्रमानुसार रखा जाएगा। राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने का
पर आयोग घोषित करने का कारण राष्ट्रीय गौरव अपमान निरोधक अधिनियम 1971 के तहत निम्नलिखित अपराधों के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति को 6 साल तक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। पहला, राष्ट्रीय झंडे के अनादर का अपराध। दूसरा, भारत के संविधान का अनादर करने का अपराध। और तीसरा, राष्ट्रगान गाने का रोकने का अपराध। शराब बिक्री पर प्रतिबंध। मतदान खत्म होने की अवधि के 48 घंटे पहले तक मतदान केंद्र के इलाके में किसी दुकान, खाने की जगह, होटल या किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थल पर किसी की शराब या नशीले पेय नहीं बेचा या बांटा जा सकता है। इस कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 6 माह के केंद्र तो या 2,000 रुपये के जुर्माने या दोनों सजा का भागी हो सकता है। प्रस्तावकों की संख्या। लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अगर किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का उम्मीदवार नहीं है तो उसके नामांकन पत्र पर क्षेत्र के 10 पंजीकृत मतदाताओं के हस्ताक्षर प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए। अगर प्रस्तावक की जरूरत होगी तो ऐसा व्रत के लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए किया गया था। उम्मीदवार की मृत्यु। चुनाव लड़ रहे किसी उम्मीदवार का निधन मतदान के पूर्व हो जाने पर उस पर पहले चुनाव रद्द कर दिया जाता था और उसके बाद उस क्षेत्र में फिर से चुनाव प्रक्रिया शुरू होती थी, लेकिन अब मतदान के पूर्व चुनाव लड़ रहे किसी उम्मीदवार का निधन हो जाने पर चुनाव रद्द नहीं होता। हालांकि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार का निधन होने की स्थिति में उस दल को 7 दिनों के अंदर दूसरा उम्मीदवार देने का विकल्प दिया जाता है। उपचुनाव की समय सीमा। संसद या राज्य विधानमंडल किसी सदन की सीट खाली होने के लिए 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराना होगा, लेकिन यह व्यवस्था 2 स्थितियों में लागू नहीं होती है। पहला, जिस सदस्य को खाली जगह भरी जानी है उसका कार्यकाल अगर 1 साल के से कम अवधि को बचा हो। दूसरा, जब चुनाव आयोग केंद्र सरकार से सलाह मशवरा कर या स्थापित करे कि निर्धारित अवधि के अंदर उपचुनाव कराना कठिन है। मतदान के लिए दिन कर्मचारियों का अवकाश। किसी भी व्यवसाय, व्यापार, उद्योग या अन्य संस्थान में कार्यरत पंजीकृत मतदाता को मतदान के दिन वैधानिक अवकाश मिलेगा। यह नियम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी लागू होगा। इसका उल्लंघन करने वाले नियोजक को 500 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि यह नियम वैसे मतदाताओं पर नहीं लागू होगा जिसकी अनुपस्थिति में युवा जिस रोजगार में लगा हो उसे खतरा या अत्यधिक नुकसान होता हो। 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों के लड़ने पर प्रतिबंध। एक साथ हो रहे आम चुनाव या उपचुनाव में कोई उम्मीदवार लोकसभा या विधानसभा की 2 या 2 से अधिक सीटों में चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसा ही प्रतिबंध राज्यसभा और राज्यों के परिविधान परिषद या द्विवार्षिक या उपचुनाव में लागू होता है। हथियार पर रोक। किसी मतदान केंद्र के आसपास किसी तरह के हथियार के साथ जाना संज्ञेय अपराध है। ऐसा करने पर 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों दंड दिया जा सकता है। इसके अलावा कानूनों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को हथियार जब्त कर लिया जाएगा और इसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन यह व्यवस्था निर्वाचन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी के किसी पुलिस अधिकारी या मतदान केंद्र पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए बहाल किसी अन्य व्यक्ति पर लागू नहीं होता। चुनाव प्रचार की अवधि की कमी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि और मतदान की तिथि के बीच न्यूनतम अंतराल 20 दिनों से घटाकर 14 दिन का कर दिया गया। 1996 के बाद के चुनाव सुधार। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव। 1977 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावित एवं समर्थक निर्वाचकों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 कर दी गई। इसी तरह उपराष्ट्रपति के पद के लिए यह संख्या 5 से बढ़ाकर 20 कर दी गई। साथ ही निरर्थकों उम्मीदवारों को रोकने के लिए दोनों पक्षों का चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि 2500 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दी गई। चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारियों को बुलाना। 1998 में यह व्यवस्था की गई कि स्थानीय शासन, राष्ट्रीयकृत बैंकों, विश्वविद्यालय, जीवन बीमा निगम, लोक उपक्रमों एवं सरकारी सहायता प्राप्त पाने वाले दूसरे संस्थानों के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी तैयार करने के लिए बुलाया जा सकता है। डाक मतपत्र के जरिए वोट डालना। 1999 में कुछ खास तरह के मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के जरिए वोट देने की व्यवस्था की गई। चुनाव आयोग सरकार के साथ सलाह मशवरा कर किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को इस सुविधा के लिए अधिसूचित कर दिया जा सकता है और इस तरह अधिसूचित व्यक्ति अपने चुनाव क्षेत्र में डाक मतपत्र के जरिए वोट डालेगा। वह किसी अन्य तरीके से वोट नहीं दे सकता।
प्रॉक्सी के जरिए वोट देने की सुविधा 2003 में सशस्त्र सेना में कार्यरत वोटरों को और ऐसे सशस्त्र बल में कार्यरत लोगों को जहां सेना अधिनियम लागू होता है को प्रॉक्सी के जरिए वोट देने का विकल्प चुनने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। ऐसे वोटर जो कि प्रॉक्सी के जरिए वोट डालना चाहते हैं उन्हें निर्धारित प्रपत्र में अपना प्रॉक्सी नियुक्त करना होगा और इसकी सूचना अपने निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारी को देनी होगी। उम्मीदवार द्वारा आपराधिक इतिहास संपत्ति आदि की घोषणा 2003 में चुनाव आयोग ने संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपना नामांकन पत्र के साथ साथ इनकी जानकारियां उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया। पहला, क्या उम्मीदवार को पहले कभी किसी आपराधिक मामले की सजा मिली है या निर्दोष करार दिया गया है या रिहा कर दिया गया है या क्या उसे कैद की सजा या जुर्माना हुआ है। दूसरा, नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 6 महीने पहले क्या उम्मीदवार किसी लंबित मामले को अभियुक्त है जिसमें 2 साल या उससे अधिक अवधि की कैद की सजा हो सकती है और उस मामले में अभियोग दाखिल हो चुका है या कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया है, अगर ऐसा है तो उसका विवरण दाखिल करें। तीसरा, उम्मीदवार किसी उसकी पति पत्नी उसकी पत्नी पति और आश्रितों को संपत्ति का विवरण देनदारी अगर हो खासकर क्या किसी सरकारी वित्तीय संस्थान या सरकार का बकाया उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता शपथ पत्र में कोई गलत जानकारी देना और अब चुनावी अपराध है इसके लिए 6 माह तक की कैद की सजा या जुर्माना भी दोनों हो सकता है। राज्यसभा चुनाव में बदलाव 2003 में राज्यसभा में चुनाव से संबंधित निम्नलिखित बदलाव किए गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।